अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हो शबाब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री कुपली। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट बनने वाला पिज़्ज़ा, जो है पराठा पिज़्ज़ा। इसका बेस जो है वो पिज़्ज़ा बेस नहीं है, ये पराठे से बना हुआ है। तो देरी नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर फ्रोज़न पराठाज लिया है। अगर आपके पास फ्रेश पराठा है, आप फ्रेश पराठा भी ले सकते हो। उसकी एक साइड को आपने अच्छे से कुक कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से, और फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है। फिर उसके बाद इस पे हम होममेड पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस घर पे मैंने बनाया है, विद इन 5 मिनट बन जाता है एकदम फट से। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी आ जाएगी। आप आपके मनपसंद टॉपिंग्स इस पे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर टमेटोज, कैप्सिकम, अनियंस, ओलिव, एलपिनोज, सलामी, जो मेरे पास अवेलेबल था वो सारा इस पे डाल दिया। एकदम फुली लोडेड बना रहे हैं हम इसको। आपके पास जो होगा आप डालें। इस पे आप श्रेडेड चिकन डाल सकते हो, कॉर्न डाल सकते हो, और मशरूम्स डाल सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी आप डालें, और उसको रेडी करें। फिर मैंने जो है ना इसके ऊपर चीज़ डाली है। मैंने 2 किस्म की चीज़ इस्तेमाल की है इसके ऊपर, क्योंकि मुझे सिर्फ मोज़रेला चीज़ इतनी खास नहीं लगती। एक्चुअली मुझे अच्छी लगती है, बट घर में चेडर चीज़ को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैंने इस पर थोड़ी सी चेडर चीज़ डाली है, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाली है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर वापस से थोड़ी सी ऑलिव्स डाले और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़, थोड़ी एक्स्ट्रा, ठीक है, वो डाली है। ये जो पिज़्ज़ा की रेसिपी है ना, ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अब इसे ढकना है हमें और चीज़ मेल्ट होने तक अच्छे से पका लेना है। चीज़ मेल्ट बहुत अच्छे से हो गई थी, साइड्स को हमने थोड़ा स्क्रेप कर लेना है, क्योंकि चीज़ मेल्ट होके पैन को स्टिक हो जाती है। स्क्रेप कर दिया, प्लेट में निकाल दिया और रेडी हो गया। थोड़ा सा ओरिगानो डाल दो इसके ऊपर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दो आप इसके ऊपर, एंड यू आर गुड टू गो। इसको हम कट करेंगे और खाएंगे। चीज़ पुल देखे बगैर बिल्कुल नहीं जाना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी कैसे लगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आई डोंट थिंक सो इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, मा सलामा।